लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने एक बार फिर इसराइल को दहला कर रख दिया है। बीते शनिवार यानी 27 अप्रैल को उत्तरी इसराइल को ड्रोन और गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया। हिजबुल्ला का ये हमला बदले की आग की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि सीमा पार इजरायली हमले में उसके 2 सदस्यों समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। समूह के एक बयान में कहा गया कि उसने अल मनारा सैन्य कमान के मुख्यालय और गोलानी ब्रिगेड की 91वीं बटालियन की सेनाओं पर विस्फोटक ड्रोन और गाइडेड मिसाइलों का उपयोग कर एक जोरदार हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि उसकी आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली ने लेबनान से उत्तरी इसराइल के मनारा क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध हवाई लक्ष्य को सफलतापूर्वक रोक दिया है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला खुद को एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में देखता है, जो इसराइल के खिलाफ व्यापक मुस्लिम संघर्ष के नेताओं में से एक है। इसराइल को नष्ट करना इसकी स्थापना के बाद से इसकी मूल विचारधारा का हिस्सा रहा है, और इसके अधिकतर सदस्य ईमानदारी से यहूदी राज्य के अस्तित्व के खिलाफ है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि सेबरिन गांव में एक घर पर इजरायली हमले में 11 लोग घायल हुए, जिनमें से गंभीर रूप से घायल हो गया। सेना ने एक बयान में कहा, इससे पहले शनिवार को इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के कोजा क्षेत्र में हिजबुल्ला सैन्य ढांचे पर हमला किया। हिजबुल्ला ने शनिवार को 2 अलग अलग बयानों में कफ्र किला और खियाम गांव के 2 लड़ाकों की मौत पर शोक व्यक्त किया था। इसमें कहा गया था कि वे यरूशलम की सड़क पर शहीद हो गए। तेहरान के दमिश्क वाणिज्यिक दूतावास पर 1 अप्रैल को बमबारी को लेकर इसराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद से हिजबुल्ला ने इसराइल में सैन्य स्थलों को निशाना बनाना तेज कर दिया है। आपको बता दें कि इसराइल हमास युद्ध में हिजबुल्ला शुरू से ही ऐसा पक्ष रहा है जो हमास के साथ खड़ा है। हिजबुल्ला ऐसा सैन्य संगठन है जो ईरान से पोषित है, और वह फिलिस्तीन के समर्थन और इसराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जब हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला किया था, और यह हिजबुल्ला ही था जो खुलकर हमास के साथ खड़ा हुआ था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हिजबुल्ला और इसराइल दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं किया है, और दोनों के बीच झड़पें होती आ रही हैं।